नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मैंने एक्चुअली अलार्म लगाया था कि मैं 8 बजे उठना चाहता हूँ, लेकिन एज यूजुअल सुबह जल्दी उठने की आदत की वजह से मेरी नींद तकरीबन 6:30 बजे अपने आप खुल गई। मैंने फोर्स किया अपने आप को मैं थोड़ा और सो पाऊं, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए मैं उठ गया। और उस 8 बजे के अलार्म का रीजन था कि मैं रात को काफी लेट सोया था। मुझे सोते सोते सवेरे के 1 बज गए थे। रात को कोई डिनर पे आया था हमारे यहाँ, तो गप्पे मारते मारते खाना खाते खाते ऑलमोस्ट 12 बज गए। उनके जाने के बाद सामान वामान समेटना सब कुछ खुद करना पड़ता है, बर्तन डिशवॉशर में लगाना, सब क्लीन करने में 1 घंटा और लग गया होगा आराम से। तो हम सोए 1 बजे, मैं तकरीबन 7 घंटे तो सोना चाहता था, इसलिए मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया। बट आई थिंक ये हम सबके साथ बहुत ज्यादा होता है। जो भी आपका रेगुलर टाइम है उठने का, अगर आप उससे आगे पीछे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इस वजह से मैंने सोचा यार, जबरदस्ती सोने की कोशिश करने से अच्छा उस टाइम को यूटिलाइज करा जाए, सवेरे उठ के जिम चला जाए। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आई थिंक रात को बारिश हुई है इसलिए बादल है ऊपर, लेकिन अभी मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो एक बहुत सुंदर सुबह है और बहुत अच्छी दिन की शुरुआत है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और हम जिम जा रहे हैं आज हमारा फेवरेट वर्कआउट लगाने, जो कि है एक पुश वर्कआउट। 2 चेस्ट की एक्सरसाइज लगाएंगे आज, इंक्लाइन बेंच प्रेस और पुली से क्रॉसओवर। 2 शोल्डर की एक्सरसाइज लगाएंगे, स्टैंडिंग मिलिट्री शोल्डर प्रेस यूजिंग बारबेल और साइड लैटरल रेजेस। ट्राइसेप्स की भी 2 एक्सरसाइज लगाएंगे, पुली पुश डाउन और आई थिंक डंबल से स्कल क्रशर्स। टोटल नंबर ऑफ सेट रहेंगे ऑलमोस्ट 20। टाइम लगेगा तकरीबन 1.5 घंटा। तो चलिए जिम चलते हैं और एक अच्छा सा वर्कआउट लगाते हैं। पेट्रोल भराना था यार गाड़ी में, पेट्रोल कम हो रहा था और आज शायद एक लंबी ड्राइव है, शायद डिपेंडिंग ऑन द वेदर, इसलिए उसकी बात तभी करेंगे जब वो होगा, अगर होगा तो। लेकिन अभी चलते हैं जिम। मैं पी रहा हूँ मेरा प्री वर्कआउट, विच इज अ सर्विंग ऑफ C4। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 और हम अपने घर से दूर तकरीबन 1.5-2 घंटे ड्राइव करके एक जगह आए हैं। इस जगह का नाम है वाटामोला बीच। हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर ट्रैक करने आए थे। हमने वेदर का हाल देखा था, हल्की फुल्की बारिश दिखा रहा था, लेकिन 1.5 घंटे के सफ़र में जब आखिरी के 15 मिनट बचे थे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और उस वजह से ये ट्रैक करने का आइडिया हम सोच रहे थे कि कंटिन्यू करें कि नहीं, क्योंकि हम पहुँच गए हैं तो हमें लग रहा है कि थोड़ा आगे जाके देखना चाहिए। लेकिन बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, रेनकोट अपने डाल लिए। वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ था मेरा भाई, उसके बाद मैंने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम निकले। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था, लेकिन तभी ये बारिश बरस गई और यहाँ हो रहा है कीचड़ और हो जाएंगे जूते बहुत गंदे। फोटोग्राफ्स में देखा था कि यहाँ पर पाथ बना हुआ है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर ये बुश वॉक भी है थोड़ी देर की, ये मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं जूते उस हिसाब से पहन के आता। आई होप कि ये बारिश रुक जाए, ऊपर देख के तो नहीं लग रहा है। रिश्ता जी चुपचाप चल रही हैं, इनका ही प्लान था वैसे, बोलेंगे नहीं कुछ। प्लान मेरा था, बारिश में मेरी गलती नहीं है। अच्छा, तो ये रास्ता, अब यहाँ पर सीढ़ियाँ आ गई हैं, ये हमें कहीं नीचे लेके जाना है। यहाँ पर कोई लुकआउट पॉइंट है शायद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि
मोबाइल के सिग्नल चले गए, ऐसी जगह है कि यहाँ वो SOS आ जाता है ना लिखा हुआ, नो सिग्नल्स, और रिहान घर पे अकेला है, उसको नहीं आना था यहाँ पर, अच्छा वो नहीं आया, बहुत ड्रामा करता वो, लेकिन अगर वो फ़ोन करेगा हमें तो फ़ोन दोनों के नहीं मिलेंगे, नहीं वो डर ना जाए। पानी की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, यहाँ पर एक बीच है, वाटामोला बीच कहते हैं उसे। तो तकरीबन 15 मिनट चल के एक लुकआउट पॉइंट पे आए हैं, अभी तक की वॉक तो वर्थ इट है, सुंदर बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सूरज नहीं है तो आगे तक नहीं दिख रहा, लेकिन जितना दिख रहा है बहुत सुंदर है, अभी तक बहुत ज़्यादा वेव्स हैं और आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, वहाँ छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, अभी देखो हवा इतनी तेज़ है तो ये ऊपर की तरफ बह रहे हैं नीचे की जगह, और अब बुश वॉक की जगह सीढ़ियाँ बन गई हैं, पाथ आ गया है तो मिट्टी कीचड़ वगैरह कम है तो पॉसिबिलिटी फिसलने की थोड़ी कम है। उड़ मत जाना बहुत तेज हवा है, वेव देखो आप क्या साइज की है, इतना उड़ मत जाना। थोड़ा और आगे गए लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ हवा इतनी तेज थी कि उसके आगे मैनुअली चला ही नहीं जा रहा था, मतलब एक इंसानी ताकत के साथ मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ये जो रेन कोट है उड़ने वाला था, टोपी उड़ने वाली थी, कदम नहीं रखे जा रहे थे, तो आई थिंक हमने डिसाइड किया कि मौसम की वजह से इतनी सुंदर वॉक को रोक के हमें वापस की तरफ कूच करनी चाहिए, यानी प्रस्थान करना चाहिए, यानी कि चलना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। ये वॉक तकरीबन ऐसा पाथ बना हुआ है और ये वॉक तकरीबन 6-7 किलोमीटर की है और बहुत सुंदर होनी चाहिए जिस तरह से ये दिख रही है, लेकिन मौसम आज हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हमारा इतना दूर आना पूरा सफ़र नहीं हो पाया, बट स्टिल वी इन्जॉयड थोड़ी सी वॉक हमने आज करी है, रिश्ता तो ऑलमोस्ट उड़ने ही वाली थी, उसको अपना रेनकोट उतारना पड़ा क्योंकि रेनकोट उसे उड़ा के ले जाता। तो हम ट्रैक को बीच में ही छोड़ के वापस आ गए, बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, हवा और ज़्यादा तेज़ हो गई है, हम भीग भी गए हैं एक हद तक, लेकिन वो रेनकोट ने काफ़ी बचाया है। आई थिंक इश्ता जी इज़ डिसअपॉइंटेड, आज का प्लान इश्ता ने बनाया था, इसका बहुत मन था, और ये गाड़ी रिवर्स हो रही है, ठोक तो नहीं देगा इश्ता जी, सॉरी यू कांट कंट्रोल द वेदर। तुम क्या सॉरी कह रहे हो, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि जगह सुंदर थी ना, वापस आना पड़ा। नहीं, जगह सीरियसली सुंदर थी और जो ट्रैक मैंने पहले देखा था जहाँ कीचड़ था वो देख के मैं भी डर गया था, लेकिन उसके बाद प्रॉपर ट्रैक बना हुआ था, क्या होता है सीमेंटेड था क्या था, पाथ बना हुआ था, लेकिन बारिश और बारिश से ज्यादा आई थिंक विंड इतनी ज्यादा तेज थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। किसी ने गाड़ी लगाई है, मेहनत करके भी भाई जाएगा, वापस आएगा थोड़ी देर में। अब क्या करें इश्ता जी, चलिए वापस चलते हैं, विहान से भी कॉन्टेक्ट करते हैं, अभी तक सिग्नल नहीं आए। गुड लक इन लोगों को, 3 मेरे भाई बहन आए हैं पूरा पैक होके, लेकिन आई एम श्योर थोड़ी देर में वापस आएंगे। टाइम हो रहा है शाम के ऑलमोस्ट 7:45, ये मेरी शाम की मील है, इसमें तकरीबन 65-70 ग्राम्स ओट्स हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी मैंने डाली हैं, और मैं इसे खाने जा रहा हूँ, भूख लग रही है ज़्यादा, और मेरे बीवी बेटा यहाँ पर बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, मेरे शूट के लिए चुप हुए हैं ताकि मैं बोल पाऊँ। हम वापस आ गए, हम कितने बजे वापस आ गए थे, हम 4:30 बजे वापस आए थे, 11:30 बजे घर से निकले थे, उसमें से ज़्यादातर टाइम हमने गाड़ी में ही निकाला, ट्रैफिक भी बहुत मिला आज फॉर सम रीज़न, तो जिसके लिए गए थे वो हम पूरा अकम्प्लिश नहीं कर पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, तो हम वापस ज़रूर जाएंगे, वहाँ पर जगह बहुत सुंदर थी, लेकिन इस बार हम प्रॉपर वेदर ऐप चेक करके जाएंगे और सही टाइम पर जाएंगे, है ना इश्ता जी? हाँ। वादा करो, वादा ठीक है, ये उड़ते उड़ते रह गई, आज उड़ जाती है, पकड़ लिया इसको बस मैंने, तो वो पैराशूटर काम करता तेरा रेनकोट और तू उड़ जाती पानी के अंदर,
बहुत तेज हवा थी, इतनी तेज हवा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी लाइफ में। तो हाँ, आप खाना खाएंगे, वापस आए बहुत थक गए थे। आते ही मैंने एक मील ली, उसको शूट करने का मन नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई, फिर मैं लेट गया। यहाँ पर मैं लेटा रहा 2 घंटे, हमने एक मूवी देखी, वो मूवी ख़त्म करी, उसके बाद हम उठ के फिर बाहर गए। मुझे लगा थोड़े से स्टेप कर लेते हैं, घूम के आते हैं, लेकिन जब हम आए थे तो यहाँ पर सूखा था, हमारे बाहर निकलते ही फिर बारिश हो रही थी, तो हम फिर वापस आ गए। इश्ता जी जूते वूते पहन के गई थी, लेकिन फिर आके जूते वूते उतारे और अब इस मुद्रा में लेटी है यहाँ। क्योंकि आज 4-5 घंटे बाहर रहे, बाहर का खाना हमने अवॉइड किया, वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, बारिश हो रही थी और ज़्यादा जंक खाना नहीं था, क्योंकि कल भी डिनर काफ़ी हैवी हुआ था, तो इसलिए घर आके खाना खाया। तो एक मील शॉर्ट पड़ रही है, यानी कि कम से कम 500-700 कैलोरी शॉर्ट पड़ रही है जो मैं अभी खा रहा हूँ। आई एम होपिंग कि अगर मैं 6:30 अभी 7 बजे ख़त्म करता हूँ तो मेरे को 9:30 तक भूख लग जाए दोबारा। आई वॉन्ट टू हैव डिनर बिफोर आई स्लीप, क्योंकि नो डाइट, नो कैलोरीज, नो मसल बिल्डिंग। ओनी स्टूडियो कौन है? कंपनी। कुछ समझ नहीं आया मुझे इसकी, आजकल मुझे भाषा समझ नहीं आती, क्या करूँ, तेरी भाषा समझ नहीं आती मुझे। ये मेरा तो बहुत लविंग बच्चा है, बहुत लविंग है। तो मैं ये खाता हूँ तेरा, ये हमेशा ही अच्छा होता है यार, इसको टेस्ट करके। मुझे वो शॉर्ट नहीं दिखाना कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा है, कि मैं रोज खाता हूँ इसे। दिया एप्पल कितना क्रंची है, टेस्ट हमेशा की तरह बहुत है, बहुत बढ़िया है। A1। टाइम हो रहा है रात के 10:15, सोने का टाइम है, खाना वाना हम सब ने खा लिया है और मैं पीता हूँ इस टाइम एक कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी कहते हैं, अच्छी होती है स्लीप इंड्यूस करने के लिए, नेचुरली स्टमक के लिए अच्छी होती है, डाइजेशन वगैरह में सपोर्ट करती है, सब थ्योरेटिकल है पता नहीं, लेकिन मैं इसलिए पीता हूँ कि मुझे पी के थोड़ा लाइट फील होता है, नींद आने में आसानी होती है और मुझे आदत पड़ी है। और मैं इसको पीते पीते पढ़ता हूँ कोई ना कोई बुक। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, ये नई बुक है, ये मैं इंडिया से ही लाया था, इसका नाम है महागथा। ये दीज आर 100 टेल्स फ्रॉम द पुराणास, एक ही टेल पढ़ी है अभी तक, तो मैंने स्टार्ट ही करी है बुक। ये डिफरेंट है, अच्छी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है इसकी, क्योंकि पुराणों के कुछ लाइन्स, कुछ वर्ड्स इसमें कोट करे गए, तो समझने में थोड़ा सा ध्यान लगता है। होपफुली अच्छी होनी चाहिए, बट रात को कुछ पढ़ना अच्छी आदत है। पढ़ना शुरू करते ही ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि सोने का टाइम है, और धीरे धीरे ब्रेन स्लो होने लगता है। आई थिंक 20-30 मिनट की रीडिंग के बाद मैं सो जाता हूँ। और हमारे साथ है विहान बाबू, ये भी सोने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट बोल दो सबको, नाइट। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू गाइस प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ। हम दोनों की तरफ से गुड नाइट, बाय बाय।